गमछा बिछाएंगे दिलवा मांगे। अरे आराम से शाबाश। अरे थोड़ा और चढ़ा लेता लोग। जवाब काहे नहीं खाते, मुंह में दही जम गई बा? ना बाबूजी। कितना हिसाब मिला लाज भट्टा पर? अरे कुछ बोलबा लोग। भैया बाकी के पैसा का भाई? बाकी के पैसा बाबूजी पी गए ले। सब पी गए ले? जा जा भीतर जा, कल सवेरे बात कर। जा मालिक, मजदूर सब भट्टा छोड़ के जाए के कहा तारन सन। अरे तो दो चार दिन उन लोग के मना ले ले रहता, ऐसे कैसे काम छोड़ के चल जाइए? मालिक वो रोज कमाए और रोज खाए वाला मजदूर बाड़े सन, ऐसे में इतना दिन रोक के पैसा ना मिले के वजह से वो सब लोग काम छोड़ के भाग रहल बा। सब लोग दूसरा जगह जाके काम करत बा लोग। बाकी ऐसे तो भट्टा बंद हो जाए और हमरा लगे कुछ पैसा भी नहीं बा और अकाउंट भी एकदम खाली बा। मालिक अब तो ऐसा लागता कि हम हो काम ना कर पाए। इजाजत दे दी मालिक, हम हो कहीं जाके गारा माटी वाला काम कर ले। वैसे भी जवन कुछ भी हमरा लगे रहे नू सब लगा देनी, ऊपर से वो अपन बड़का और मझला मालिक नू ऐसा लगता कि जैसे सब कुछ लुटावे पे लगल बाड़न। रोज साजी थान जाके पैसा मांगा लेन और पैसा ना दे तो अब तो गाली गलौज पे भी उतर गए बाड़न लोग। ऐसे काम ना ना हो पाई मालिक। अच्छा अच्छा ठीक बन जाए तो छोड़ा छोड़ा, तू जा देखता नहीं हम कुछ इंतजाम करता नहीं। ठीक बा मालिक ठीक बा। रुकी सुकई काका। बाबूजी हम सबको सुन लेनी, अब आपके केहू के सामने हाथ फैलाए की कोनो जरूरत नहीं खे। इली हमार कुछ गाना, इमे हमार पासबुक है जोना में 2,00,000 रुपया है। हमार बाबूजी हमके विदाई में दे ले रहलन कि हमार सुख दुख में काम आई, जिंदगी भर बचा के रख ले रही हूँ आके हमार दहेज के लिए। लेकिन आप तो बिना दहेज के ही शादी करवा देनी बाबूजी। ये गहना रख ली और मजदूरी चुका के फिर से काम शुरू करवा दी। बहू ई कब बोल रहल बारू? तू जा अंदर जा, ले जा एकरा के। ना बाबूजी ई ले ली, गहना तो फिर से बन जाई, अगर काम धंधा बंद हो जाई तो घर बर्बाद हो जाई बाबूजी। हाँ ठीक बा मालिक, तू सचमुच सुकन्या हो, सुकन्या सुकन्या हो। गजेंद्र भैया खंबा बढ़ावा इधर आओ। ए भाई ऐसन हो तोहन लोगन के हिसाब बहुत ज्यादा होएगा बा। हाँ कि अब एक पैक दारू न मिल पाए बिना पैसा दिए। अरे मर्दे कहीं भागत बानी जा हमनी। अरे गजेंद्र भैया
मिल जाई ने तो आर पैसा। ओ मिल जाई वाली कहानी भाई सुनत सुनत ना हमार डायरी भर गई। ऐसा हो हम भिखारी की भी पैसा दे ही था ना तो पूरा हिसाब किताब कह के। ए गजेंद्र अपनी औकात में रह के बात कर। राजो अरे माई हो छाती मदद कर तो ब्लड प्रेशर हमारे हमारी माई हो। ए भैया तनी धीरे से बोला करा महाराज ब्लड प्रेशर हमारे छाती दर्द करत हो। का कहते हैं भैया औकात ऐसा होना कि गजेंद्र सामने वाले का औकात देख के अपन औकात बतावे ले। अगर एक शब्द भी आगे बोल लेना तब फिर का करो भैया गोली मारवा। गजेंद्र मने मर मर ए देखा इले हमारे बुलेट का चाबी जब तोहर पैसा हो जाई तो हमके हमार बुलेट वापस दिए। अब जो दारू लिया भैया कितना पिए कहो। ए बेटा यस सर फटे तक पिलावा लोगन के। अभी आया सर जितना हमर कहो उतना पिए। आओ वाह समाल आ गईले महानुभाव लोग। बाकी गाड़ी की आवाज तो सुनाई ना दिहल गाड़ी कहाँ छोड़ के आ गईला। बाबूजी गाड़ी भैया ओकरो बेच के पी गईला जा गाड़ी गाड़ी हम पूछता नहीं गाड़ी कहाँ छोड़ के आईला। गाड़ी रंजना सुधा ले जाई महानुभाव लोग के ले जा। का बात है तू लोग एजा का आयल बड़ा जा। मालिक ये सब जिद करत रहल है लोग यही से हमरा एजा आवे के पड़ल है। ये सब लोग चाहता कि पैसा मिल जाए तो ये लोग अपन जाके कहीं काम धंधा शुरू करत लोग। बाकी वैसा हूँ तो भट्ठा बंद होखे वाला बा मालिक। अरे तो वो पैसा के बदले हम गहना देले रही ना। वो तो सब ठीक बा मालिक बाकी मालिकार लोग रोज रोज जाके सब वो पैसा लेके चली आवेला लोग। ऐसे में पैसा भी ना बचेला और ना ही काम हो पावेला। सब कुछ गड़बड़ हो गया बा मालिक ऐसे काम ना हो पाई। हमरा के लागत था कि हमहू ना कर पाई। बाकी ये लोग के पैसा ना मिलला के वजह से ये लोग अपन हाथ बिल्कुल खड़ा कर दे ले लोग बा। खुदे पूछ ली तीजू बम्बई जाए के कहा था पल्लेदारी करे के जाए के कहा था तैयार हुए कोलरी जाए के और हे तो परसों से भागत हुए मालिक खुदा कहा था हम ना रहा अब। केहू कहीं ना जाई। हाँ केहू कहीं ना जाई हमके एक हफ्ता के टाइम दे दी। बाकी बेटी तू करबू का बाबूजी समय आए पे सब पता चल जाई। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।